हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। और भाई आज है हमारे मतलब आठे का त्यौहार। तो हमें ना मतलब हमारी भैरव माता देवी है, हमारी कुल देवी, तो उसके भोग लगाते हैं। तो उनके लिए उन्होंने अठवाई काटी है, तो पोए बनाए और पूरी खीर रांधने वाली थी मम्मी, लेकिन खीर उनको टाइम मिला नहीं, इस वजह से उन्होंने खीर नहीं बनाई है भाई। और मैंने काटा है थोड़ा बहुत पुआ, और कुछ पुए काटे मीना ने। और भाई मुझे ना तुरंत पता नहीं कौन सा कीड़ा खा गया, तो मैं तो चली गई फिर चुटकी को दूध पिला के। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ, तो इधर आ गई हूँ भाई मैं। और अब फिर इधर ही चलेंगे, पुआ हमने बना लिए हैं, अब बस खाना खाएंगे। तो आप सब भी खाना खा लो, और किस किस के वहाँ पे आठे बनती हैं आपके, कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई हमारे तो आठे बनती है बहुत के, नौ में सात है पता नहीं, नौ में सात है आठ है, और सही दसवीं मुझे पता नहीं भाई दसवीं बनती है कि नहीं, नौ में तक तो बनती है, लेकिन हमारे यहाँ पे आठ ही बनती है। तो आपके वहाँ पे क्या बनता है ज़रूर बताना, ओके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मतलब ब्लॉग बंद नहीं कर रही हूँ भैया, ब्लॉग चल रहा है लेकिन, और ना सुबह ही हो जाता सारा काम, लेकिन भाई मेरे ताऊ जी के ना वो गेहूँ कटवाए थे, इस वजह से सारे लेट हो गए, तो सारे ना घर वाले भूखे मरे पड़े हैं अभी, और त्यौहार है इस वजह से। भाभी ने तो सुबह रोटी बना ली थी, रोटी किसी ने नहीं खाई है, और मम्मी बोल रही थी कि भाई त्यौहार है तो त्यौहार के दिन तो कुछ करना ही पड़ेगा, इस वजह से तो अब कर लिया है, अब खाने वाले हैं। आप लोग भी खा लो सब। और गाइस ये लगा दिया भोग भैया ने, देखो पूरे घर में धुआं धुआं हो गया, और पूरे घर में देखो कैसा माहौल हो गया है, बिल्कुल माता जी का आशीर्वाद हो गया है। और इतनी धुआं होते हुए भी ना मतलब आंखों में नहीं लगते बिल्कुल भी। और देखो गाइज ये वो थाली है जो मतलब माता जी के भोग लगाया ना, वो थाली है, तो उसमें मैं सुहानी और मीना खाने वाले हैं, तो आप भी खा लो प्रसाद ले लो भगवान का। जी जी फोन छोटू पाकिट लगाऊं लगाऊं जी जी। सो गाइज ये है मेरी काकी जो लग रही है पुआ काटने, बड़ा बड़ा खाट बड़ा बड़ा ते एक मैं भाई मैं कैट रहा था बड़ा बड़ा तेरे पैने आखो नहीं कैट रहा हो, हमारी चौड़ी कढ़ाई है ना भाई अधी कढ़े हम बड़ा बड़ा सही है। मनीषा ने इतना सारा इसमें घी डाल दिया, इस वजह से नहीं रोटी नहीं बन रही है, सिर्फ आपने खाऊंगा उसके। देखो बनाया कट रही है, खमड़ाई हमारे पुआ को बनाया है, बिचन बना रहा सतू ने खाया तो बना लेगा। तो भाभी तो कौन करवाया, मैं तो गोड़ करे और मम्मी ने तुम करे बना तो कहीं वाली। और ये वाले चुपड़ी वाली पुड़ी है, ये बेसन की बनाई है, बेसन काटे खा मार भाई ने, जो टाइम पे मम्मी काटती थी खा दी वन, अब काटे की खा सकते। और ये सुवानी है भाई, सुवानी है पुआ खा रही है, सुवानी चुपड़ी वाली खाएगी। So guys, ये ना चुपड़े वाले खाने को तैयार है, मतलब इसको यही खाने वाली। नानी से जाके ये बोलना, नानी मेरे लिए ना सकल पारे बना दो, आप पुए तो बना लिया आपने, और सकल पारे बना दो, उसमें घी डालना बहुत सारा और फिर बनाना, जाओ नहीं वहां जाके पहले मेरी मम्मी चांगड़ी टिग्गी कढ़ाई हुई पुड़ी खिला रही गोल बटुबे दी ला रही पुआ का मैं दादी हो टोका जी मनी खाता ना हमेशा से करवावे, एक बार बेसन का करवा दिया और अगली बार इनको करवा दिया, ये तो बढ़िया। फिर बेसन का तेल तेल मसन गया लो दाएं ऊपर बेसन नो मैं तेल तेल मसन गया लो, फिर बाकी नमकीन भी कुन बनी मीटान को कैड ली नानू डा मम्मी ने गाल दी पर आराम से नज बुला लियो
बेटा अभी नहीं। भाई सब मैं मम्मी को जाके बोलने वाली हूँ कि अपने भी ना सकल पारे बना लो और चुपरे वाले बना लो, तो देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या रहता है। थोड़ा बहुत बैलक तो खा लेता आज, तू भी कुछ यार मांगा कर मम्मी। सो गाइस हम मम्मी लगा रही है काई को आटा, सकल पारान को आटा लगा रही भाई। इस मम्मी ने इसमें भी घी डाल दिया मनसा की तरह, इस वजह से ना ये भी थोड़ा टूटा टूटा हो रहा है। देखो एक कटोरी भर के घी डाल दिया इसने और फिर अब सकल पारी काटने वाली है इसमें भाई, और चुपरे गुणा भी काटने वाली है। छोटा भैया मेरा आया नहीं। सो गाइस अब आ गए हम जिम निकल गए यहाँ पे और शादी वही तो उसमें आ गए, और मेरी बहन तो दुब रही है, हालत खराब हो रही है उनकी, सबकी बैकड़ काय गिर रही है। ध्यान रहे वो भाई जिम आया आप मई जिस बना रहा हूँ मतलब लड़का है उनकी शादी है गुजरो में भाई। तो गाइस हमने खाना खा लिया है, अब सीमा प्लेट उठा रही है भाई।